हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि हाउ कैन वी कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। सो दिस इज द फिगर यू हैव रिटन इक्वेशन फर्स्ट। तो हाउ कैन यू कंपेयर ईएमएफ ऑफ दीज सेल्स? वी इंजेक्ट की बिटवीन वी वन एंड थ्री बाई विच सेल इवन कम्स इन टू सर्किट। वी फाइंड ए सच पॉइंट से जे एट पोटेंशियो मीटर वायर एट वेहन गैलोनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, जहां गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है जीरो। तो बाई यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पी एम, पोटेंशियो मीटर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ई वन इक्वल एक्स एल वन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्या होगा? तो आफ्टर जस्ट इक्वेशन फर्स्ट वी रिमूव की फ्रॉम फर्स्ट एंड थ्री एंड इंजर्ट बिटवीन टू एंड थ्री। तो क्या करते हैं, नाउ वी रिमूव की फ्रॉम फर्स्ट एंड थ्री एंड इंजर्ट बिटवीन टर्मिनल टू एंड थ्री। तो फिर मैं यहीं से यहां लिख रहा हूं, नाउ वी रिमूव की बिटवीन वन एंड थ्री एंड इंजर्ट बिटवीन टू एंड थ्री, के लिए बाय विच सेल ई टू कम्स इन टू सर्किट। सेल ई टू सर्किट में आ जाता है। अगेन वी फाइंड ए सच पॉइंट से जे डैश, दिस इज जे डैश एट पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर पे वायर पर एक ऐसा पॉइंट जेडेस हम फाइंड आउट करते हैं एट वेयर गैलोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, जहां गैलोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पीएम अगेन व्हाट क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ई टू इक्वल एक्स एल टू के लिए। वेयर एक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो आई रिपीट अगेन, फर्स्ट वी इंजर्ट बिटवीन की वन एंड थ्री, सो सेल इवन कम्स इन टू प्ले। बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यू कैन राइट इवन इक्वल एक्स एन एक्स एल वन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी रिमूव की बिटवीन वन एंड थ्री एंड इंजर्ट बिटवीन टू एंड थ्री, सो सेल ई टू कम्स इन टू सर्किट एंड फॉर दिस सेल वी कैन राइट ई टू इक्वल एक्स एल टू। तो यू कैन नॉट इट, बट वी डिवाइड वन बाई सेकेंड देन ई वन अपॉन ई टू, दिस इज इक्वल टू एक्स एल वन अपॉन एक्स एल टू। एक्स इज कैंसिल आउट, ई वन अपॉन ई टू इक्वल एल वन अपॉन एल टू, दिस इज इक्वेशन थर्ड। क्लियर? सो बाय यूजिंग दीज लेंथ्स एल वन एंड एल टू यू कैन कंपेयर ई एम एफ्स ऑफ द गिवन सेल्स। तो ये प्रैक्टिकल में भी जो है आपसे पूछा जा सकता है, और ये थ्योरेटिकल पार्ट में भी है, प्रैक्टिकल पार्ट में भी है। तो कैसे हम सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करेंगे, वो मेथड आपके पास में ये हो गया। क्लियर? नाउ वी टेक सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। वी टेक सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो व्हाट इज सेकेंड एप्लीकेशन?
Second application है to find out internal resistance of a primary cell. To find out internal resistance of a primary cell. Second application. To find out internal resistance of a primary cell. So circuit diagram. कैसे बनाएंगे देखिए, दिस इज बैटरी की रियोस्टेट दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर ए बी एंड this is a primary cell for which internal resistance to be find out. This is resistance box. And this is another key K dash. Galvanometer. This point supports J and Jockey J. So how can we find out internal resistance of this cell? Suppose EMF of cell is E. So in figure you can write formality same as in you have written in first article. In potentiometer, primary circuit, battery EP, key K, rheostat RH, connected in secondary circuit, battery E, resistance box RB, key K dash, galvanometer Z and jockey J are connected. So here in figure in figure primary in figure primary circuit of PM potentiometer consists battery EP key K rheostat RH and rheostat RH. Secondary circuit of PM consists consists battery E resistance box RB key K dash and galvanometer Z and jockey
जे, जॉकी जी। तो व्हाट आर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दिस सर्किट, यू हैव रिटन इन लैंग्वेज, क्लियर? नाउ हाउ कैन यू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस? सो फॉर दिस व्हाट इज वर्किंग मेथड? तो फिर यू कैन राइट इट नाउ, वी राइट वर्किंग। तो अगेन वी रिपीट, इन फिगर प्राइमरी सर्किट ऑफ पीएम कंसिस्ट बैटरी ईपी की के एंड रियोस्टेट आरएच। सेकेंडरी सर्किट ऑफ पीएम कंसिस्ट बैटरी ई रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी की के डैश एंड गैलोनोमीटर जी एंड जोकी जे। नाउ व्हाट इज वर्किंग? वर्किंग कैसे होगी देखिए, एट फर्स्ट वी इंजर्ड की के, देन ए कांस्टेंट करंट फ्लोस थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर ए बी और ए पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूसेस एट द एंड ऑफ दिस वायर, एंड्स ऑफ दिस वायर। नाउ हम की डालते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, इसके ऊपर जो है वो पोटेंशियल डेवलप होता है। उसके बाद यहां हम इस की को ऑफ ही रखते हैं, लेकिन इस जॉकी से इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट, सपोज दिस इज जे, हम लेते हैं जहां गैलोनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे और दिस इज बैलेंस लेंथ फॉर दिस पॉइंट L1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका EMF जो है वो वायर पर जो पोटेंशियल है उससे बैलेंस हो गया, इसलिए गैलोनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन इस बैटरी से हमने कोई करंट फ्लो नहीं करवाई है, देन वी कैन से दैट दिस इज इन ओपन सर्किट, एंड इन ओपन सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इज सेड टू बी EMF ऑफ द सेल। So EMF of cell E is balanced by length L1. So by using principle of potentiometer, you can write as E equal XL1. Clear? तो पहले हम क्या करते हैं, यहां पर इंजर्ट की प्राइमरी में करके की इंजर्ट करते हैं। तो वर्किंग एट फर्स्ट वी इंजर्ट की के इन प्राइमरी सर्किट देन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर थ्रू पीएम वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूसेस on the wire, produces on the wire. क्या ले? ये बात तो हो गई, इसके इसमें हमने एक कांस्टेंट करंट फ्लो करवाई। Now we find a point on potentiometer wire with the help of jockey J and where galvanometer shows zero deflection विदाउट इंजर्टिंग की के डैश। तो फिर मैं पहला छोड़ के यहां लिख रहा हूं, नाउ वी फाइंड ए पॉइंट से जे एट
PM wire at where galvanometer shows zero deflection. ठीक है, तो नाउ वी फाइंड ए पॉइंट से जे एट पीएम वायर एट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। तो फिर क्या आएगी बात आगे, आप इसको नोट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर फिर इसको रिमूव करके लिखता हूं। तो देखिएगा जीरो रिफ्लेक्शन। तो फिर नेक्स्ट बात, जीरो जीरो रिफ्लेक्शन, तो इन ओपन सर्किट फॉर सेल ई बाई यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पीएम ई इक्वल एक्स एल वन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, वह एक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट एल वन बैलेंस्ड लेंथ इन ओपन सर्किट। तो हमने ये की नहीं लगाई है, इससे कोई करंट हम फ्लो नहीं करवा रहे हैं, तब इसके एंड्स के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ ई होगा, तो उस ईएमएफ को ई को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पीएम ई इक्वल एक्स एल वन। अब क्या किया जाए, अब वी चूज ए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आर फ्रॉम आरबी एंड इंजर्ट की के डैश, सो देयर विल बी ए करंट बाय दिस रूट व्हेन वी चूज रेजिस्टेंस आर एंड इंजर्ट की के डैश, देन करंट विल फ्लो दिस रेजिस्टर। इन दिस सिचुएशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ सेल विल बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन राइट वी, तब उस केस में हम इसको V से लिखेंगे। और जब की नहीं डालते हैं, जब इस सेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, तब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है EMF, उसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो फिर मैं यहां से ये की इंजर्ट करता हूं इन सेकेंड सिचुएशन, तो फिर ये आपके पास में वी हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, देखिए ना इसके बाद में जस्ट यहां पर Now we choose a particular resistance from RB, particular resistance capital R from resistance box RB। ठीक है, RB and inject key K dash, so current flows
through RB and there will be potential difference, there will be terminal potential difference across the ends of terminals of battery, at the ends of terminal potential difference V, across the ends of battery, ends of terminals of battery, at the ends of terminals of the battery. Now again we find such a point at potentiometer Y. Suppose this point is Z dash, at where galvanometer shows zero deflection. तो फिर क्या लिखेंगे? अगेन यहां तक आप उतारते जाइए और मैं वहां लिख रहा हूं, आप कंटिन्यूटी में इनको नोट करते जाइएगा. तो क्या होता है देखिए, यहां ई की वैल्यू एक्सएल वन है इक्वेशन फर्स्ट में, अगेन वी फाइंड ए पॉइंट से जेड एस एट पीएम वायर एट वेहर गैल्वेनोमीटर एट वेहर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन. तो फिर कौन से में, क्योंकि क्लोज सर्किट है, तो इनक्लोज्ड सर्किट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पीएम by using principle of PM, we can write as terminal potential difference V equal XL2. This is equation second. ये equation second हो गई. तो पहले किसमें निकाला था? Open circuit में. अब किसमें निकाल रहे हैं? क्लोज सर्किट में. तो एक बार आया ईएमएफ, एक बार आया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ये एल टू जो है वो बैलेंस लेंथ है इन क्लोज सर्किट. तो एल टू बैलेंस्ड लेंथ इन क्लोज सर्किट. अब क्या किया जाए देखते हैं. वी नो दैट, ये मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, वहां तक आप पहुंच जाइए. वी नो दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ. V equal E minus IR, where R internal resistance, or IR equal E minus V, and R equal E minus V upon I. This is equation third, where R is internal resistance.
are internal resistance. We have R internal resistance. Internal resistance. Now, but I equal V upon R, flowing current I in this section. In this section, flowing current I and potential difference V and chosen resistance capital R. So by using Ohm's law, you can write I equal V upon R. This is equation 4. So by using 3 and 4, what is the result? R equal E minus V upon me V, I की जगह पुट कर रहे हैं V upon R into me R. This is equation 5. अब आपके पास में equation first में E की value XL1 थी, V की value जो है वो XL2 थी, और R जो है वो resistance box से choose किया गया था. तो ये जो values हैं ये हम equation 5 में रख दें. तो फिर कौन कौन सी equation का मैं use करूँगा? देखिए first क्या थी, E equal XL1 थी, और second ये है ही. तो by using first, second and fifth, by using first, second and fifth, तो internal resistance R equal. Value of E XL1 minus value of V XL2 divided by V XL1 multiply by R. So we can write R equal X is common L1 minus L2 upon me XL1 into me R. X is cancel out and R equal L1 minus L2 upon L1 into R. This is equation 6th. तो देखिए किस तरीके से हमने internal resistance find out कर लिया कि L1 minus L2 upon में L1 into में R. तो फिर मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये balance length L1 चाहिए, ये L2 चाहिए. L1 balance length कब थी? जब हमने यहां की नहीं डाली थी, उस केस में open circuit के अंदर जो है इसका जो EMF था वो E वो XL1 बना था. तो पहली बात, फिर हमने इसमें रेजिस्टेंस चूज करके और की डाली और इसमें से करंट फ्लो करवाई, तब इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V आया और वो V पोटेंशियल डिफरेंस था वो बैलेंस का सहारा पर हुआ L2 लेंथ पर. तो बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल V इक्वल XL2 लिख दिया. तो सिंपल सी बात है, एक बार किस में? ओपन सर्किट में. एक बार किस में? क्लोज सर्किट में. ओपन सर्किट में क्या आएगा? E दैट इज इक्वल टू XL1. क्लोज सर्किट में क्या आएगा? V दैट इज XL2. ये दो चीजें आपके पास आ चुकी. लेकिन अब हमें ये मालूम है कि V इक्वल E माइनस IR होता है. तो V माइनस IR होता है, तो यहां से IR इक्वल E माइनस V, क्योंकि निकालना तो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, तो R इक्वल E माइनस V अपॉन में I. लेकिन I क्या थी? इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट थी. कब? जब आप R चूज किया था. तो फिर मॉम्स लगा यूज करें तो I इक्वल V अपॉन R. यदि ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें तो ये स्टेप बन जाती है. और इसमें E, V और R आपको नोन है, क्योंकि E निकाल रखा था, V निकाल रखा था, R आपने चूज किया था रेजिस्टेंस बॉक्स से. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? तो ये आपकी दूसरी एप्लीकेशन हो गई. किसकी? जो है पोटेंशियोमीटर की. तो आज का लेक्चर यहीं तक. थैंक यू.